नमस्कार, मैं अल्पना। मेरे चैनल प्यारी बिटिया रानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी मटर और मशरूम की सब्जी। और आज इस तरह से इसको बनाएंगे कि बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे और बहुत ही झटपट बनाएंगे बिना तामझाम के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मटर और मशरूम की सब्जी। और फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो बाकी सब्जियों का स्वाद भूल जाएंगे और बहुत ही जल्दी ये सब्जी बन जाती है। बहुत ज़्यादा किसी मसाले का प्रयोग नहीं करेंगे, कम मसाले में आज हम इसको बना के दिखाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मशरूम की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने मशरूम लिया है, ये 200 ग्राम हमने मशरूम लिया है और 200 ग्राम ही हमने मटर लिया है। मटर जो हमारे बिल्कुल फ्रेश मटर है, अगर आप फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। इधर मसाले हमने जो तैयार किए हैं, 2 प्याज इसको बिल्कुल ग्रेवी बना लिया है और 3 टमाटर इसको भी पीस लिया है और अदरक लहसुन मिर्च का थोड़ा सा दरदरा पेस्ट और 4 से 5 दाना काली मिर्च और 3-4 लौंग और 1 जावित्री का छोटा टुकड़ा और दालचीनी, 1 पत्ता तेज़पत्ता और थोड़ा सा हमने ये क्रीम लिया है। सारी सामग्री को हमने पहले से बिल्कुल धो के पीस के तैयार कर लिया है। अब जो हमने मशरूम लिया है इसको थोड़ा सा ऊपर से छील देंगे। जो फ्रेश है उसे नहीं छीलना है, जो थोड़ा सा हमें गंदा दिख रहा है उसी को हल्का सा छीलेंगे, बाकी सबको नहीं छीलना है। ये देखिए इस तरह से छीलेंगे और इसके 2 टुकड़े हम काटेंगे। आप 2 से 4 भी काट सकते हैं, 6 भी काट सकते हैं, जो भी आकार आपको पसंद हो उस तरह से काट सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह से पसंद है, हम इस तरह से इसको काट रहे हैं। तो ये वाला फ्रेंड देखिए, इसको भी हम इसी तरह से काट देंगे और बहुत ही आराम से, बहुत मुलायम और बिल्कुल सॉफ्ट होता है मशरूम। ये देखिए इस तरह से हमने काट लिया है। बाकी मशरूम भी हम इसी तरह से काट के बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, तो हमने इसको काट के तैयार कर लिया है। अब हमने एक भगोने में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, उस गर्म पानी में इसको डालेंगे और डाल के इसको थोड़ा सा उलट पलट के धो लेंगे। धोने से क्या होगा, इसकी जो गंदगी है साफ हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चम्मच से हम इसको थोड़ा सा चला देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे गैस की आंच में, हल्का ये पक जाए और इससे जो इसकी गंदगी है वो भी साफ़ हो जाएगी। अब इसको हम निकाल लेंगे। मशरूम जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद और गुणों से भरपूर होता है, तो आप भी सर्दियों में इसकी सब्ज़ी बनाइए, खाने में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। तो अब हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और कढ़ाई हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें लगभग बड़े चम्मच से हम 3 चम्मच तेल डालेंगे। हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, आप जो भी कुकिंग ऑयल पसंद करते हैं उस तेल में बना सकते हैं। और इधर हमारी मशरूम भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तेल गर्म हो गया तो उसमें हमने 1 चम्मच जीरा डाला है छोटे चम्मच से, और जो ये थोड़े खड़े मसाले थे, कड़ी पत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और जावित्री, इसको भी डालेंगे और डाल के मिलाएंगे। इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा और दोगुना हो जाएगा। जो हमने प्याज पीस के रखा था, ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज भी डालेंगे और डाल के इसको भी बिल्कुल भुनेंगे सुनहरा ब्राउन होने तक। जब तक हमारी प्याज बिल्कुल तेल ना छोड़ने लगे तब तक इसको, मसाले को हमको भूनना है। ये देखिए इस तरह से। और अदरक और लहसुन का जो हमने दरदरा पेस्ट बनाया था उसे भी इसी में डाल देंगे और डाल के इसे भी मिला देंगे। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 2 मिर्च डाला था। डालने के बाद इसको बिल्कुल मीडियम आंच में धीरे धीरे इसको भूनेंगे, जिससे हमारी प्याज खूब अच्छी तरह से भुन जाएगी, तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। तो हम ऐसे ही फ्रेंड्स आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाना बताते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट के नहीं, बिल्कुल जो झटपट बन जाए। और 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और डाल के सारे मसालों को उनको भी साथ साथ मिला देंगे। हमारी ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इस तरह से इसको बिल्कुल धीमे धीमे आंच में भूनेंगे, तेल बिल्कुल अलग हो रहा है। तो ये समझिए कि हमारे जो प्याज है वो भून के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जो हमने टमाटर पीस के रखा था उस टमाटर को भी उसी में डालेंगे और डाल के इसको भी इस तरह से पकाएंगे। सर्दियों के जो टमाटर होते हैं काफ़ी खट्टे होते हैं, तो हमने 3 टमाटर लिया था। अब अपने हिसाब से
टमाटर और प्याज की मात्रा जितना कम ज़्यादा बनाना हो उस हिसाब से कम कर सकते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हमने ढक दिया था। देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं और ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जो हमने क्रीम लिया था 4 से 5 चम्मच क्रीम इसमें डाल देंगे और डाल के इसको भी मिला देंगे। क्रीम डालने से क्या होगा फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और जब आप इस तरह से क्रीम डाल के बनाएंगे ना, बिल्कुल होटल वाला स्वाद आएगा। जब कभी कभी हम होटल में खाते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि इनकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी क्यों बनती है, क्योंकि वो क्रीम डालते हैं। ऐसे छोटी छोटी टिप्स जो हमें नहीं पता रहती है वो डाल के ये बनाते हैं। देखिए इस तरह से डालेंगे और डाल के मिलाएंगे। अब इसमें हम अपने टेस्ट अनुसार नमक डाल देंगे, जितना कम ज़्यादा आप पसंद करते हो उस हिसाब से नमक हम डालेंगे और डाल के इसको भी मिला देंगे। बिल्कुल ग्रेवी हमारी बन के तैयार हो गई और बहुत अच्छी ग्रेवी का कलर भी है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब जो हमने मटर लिया था, बिल्कुल हमारी फ्रेश मटर है, 100 ग्राम मटर थी, उसे भी डालेंगे और डाल के मिलाएंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें हम अपने किचन में जो बनाते हैं वही आपको दिखाते हैं। 5 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे। ढकने से क्या होगा कि हमारी मटर बिल्कुल फ्रेश मटर थी तो देखिए पक गई है और ग्रेवी और मटर बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल पक चुका है। अब जो हमने मशरूम लिया था फ्रेंड्स मशरूम भी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से हल्का हमने पानी में इसको पकाया था। अब इसमें हमें बहुत कम पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और इस तरह से आप सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी आपकी सब्ज़ी बनेगी। ये मशरूम भी हमने डाल दिया है और जिस मिक्सी ग्राइंडर में हमने टमाटर और प्याज पीसा था उसी को धो के देखिए इसमें डाल देंगे, जिस हिसाब से आप ग्रेवी कम और ज़्यादा गाढ़ी या पतला जैसा भी आप पसंद करते हो उस हिसाब से आप पानी डाल के इसको मिला दीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने थोड़ा सा पानी भी डाला है। ये देखिए बिल्कुल सब्ज़ी हमारी अब 5 मिनट बाद बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप सब्ज़ी बना के इसको दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। वैसे आजकल जितना बाज़ार में खाने का चलन हो गया है, लोग घर में ना तो उतना दिल से बनाते हैं ना घर में लोग वो स्वाद पाते हैं, इसीलिए लोग बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, जब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल पक जाएगी तब हम इसमें गरम मसाला डाल के मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स सब्ज़ी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। अब इसको हम थोड़ा 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे तो देखिए बहुत अच्छी तरह से उबाल भी आ गया है और सब्ज़ी के किनारे किनारे तेल भी आ गया है। ये देखिए सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। आप एक बार इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे तो बाकी सब्जियों का आप स्वाद भूल जाएंगे और आप भी बनाइए फ्रेंड्स, खाइए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी थी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए और देखते रहिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बनाना बताते हैं। तो जब भी बनाइए फ्रेंड्स कोई भी चीज़ घर में खाना बनाइए दिल से, मन से, प्यार से, परिवार को ध्यान में रखते हुए, तो वो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा। तो ये देखिए सब्ज़ी हमने बिल्कुल निकाल लिया है सर्व करने के लिए, थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च से इसको गार्निश कर दिया है। तो आप भी इस तरह से सब्ज़ी बनाइए और बने रहिए, देखते रहिए, ऐसी छोटी छोटी रेसिपी हम आपके लिए बनाना बताते हैं। तो जब आप एक बार इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे फ्रेंड्स तो इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है कि आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। और बने रहिए, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए रेसिपी के साथ। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।